सो गाइस अभी टाइम है एडवेंचर को टेस्ट राइड करने का, ये रहा अपना एडवेंचर और चलिए हम लोग इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या है बाइक के अंदर। सो इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है गाइस। लाइक अगर आप कभी भी टेस्ट ड्राइव कर रहे हो तो तीन चीज़ का ध्यान रखना, इनिशियल पिकअप, मिड रेंज और हायर एंड। तो इसका इनिशियल पिकअप तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप पावर का बात करो गाइस, सुपर पावर है बाइक में, बहुत अच्छा पावर है। टॉर्क अराउंड 29 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है और पावर भी अराउंड 28-30 का पीएस का पावर है इस बाइक में, तो काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। एंड सबसे अच्छा है कि ये जो आपको डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है वो बहुत बढ़िया है। लाइक ये एक पूरा डिटेल्स आपको देता है, जैसे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर सब कुछ है यहाँ पे, ट्रिप मीटर सब कुछ है यहाँ पे। बट आज मेरे को ये बाइक चला के बहुत मज़ा लग रहा है गाइस, बिकॉज ये हिमालयन टाइप है, वो कैटेगरी का है, एडवेंचर बाइक है। बट ESD जो बाइक लेके आया है बॉस, सच में दिल खुश करने वाला बाइक है। सो जैसे कि अभी हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, तो अगर आप वाइब्रेशन का बात करते हो तो बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाइस। जैसे कि मैं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड चलाता हूँ, तो अगर उसके साथ कंपेयर करूँ गाइस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। बिकॉज ये एकदम रिफाइंड इंजन है, रिफाइंड बाइक है, तो कोई भी वाइब्रेशन आपको नहीं मिलने वाला है। एंड गाइस अगर हम लोग हीट मैनेजमेंट का बात करें, बाइक में हीटिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि काफ़ी देर से हम लोग इस बाइक को टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं एंड और भी कुछ कस्टमर्स इसको टेस्ट ड्राइव किए थे अपने पहले, तो हीट का कोई भी इशू नहीं है, हीटिंग का काफ़ी बढ़िया है एज सच। कूलिंग इसका काफ़ी बढ़िया है। और अगर इस बाइक का ब्रेकिंग का बात करें तो रेयर ब्रेक्स आर लाइक रियली गुड, बहुत अच्छा ग्रिप है बाइक पे। एंड फ्रंट ब्रेक्स भी एकदम बहुत अच्छा ग्रिप देता है बाइक का, तो ब्रेकिंग का कोई भी इशू आपको नहीं मिलने वाला है, ब्रेक्स काफ़ी मस्त है। और अगर बात करें इसका टॉप एंड का, तो टॉप एंड परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है गाइस। सिर्फ इनिशियल पिकअप तो है ही, प्लस टॉप एंड भी इसका बहुत मस्त है, तो मज़ा आ रहा है इस बाइक को एक्चुअली में उड़ाने में, मज़ा आ रहा है। और ये जो विंडशील्ड है गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विंड ब्लास्ट डायरेक्टली हेलमेट में आ रहा है। लाइक ओवरऑल तो गाइस मैं बहुत खुश हूँ इस बाइक से। आई डोंट नो किसका क्या ओपिनियन होगा, बट मेरा ओपिनियन एकदम मस्त है, तूफानी बाइक है, ग्रेट पैकेज फ्रॉम ESD। तो अगर आप इस बाइक के बारे में सोच रहे हो तो आराम से सोच सकते हो, इट्स अ गुड पैकेज, बढ़िया रहेगा।